आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास 11th का एक्सरसाइज 9.2 और ये आपके क्लास 10th में भी ये चैप्टर नंबर 5 सेम इसी क्वेश्चन है आपके। इसमें लिखा हुआ केवा पद मतलब केथ टर्म दे रखा आपके और हमें एसएन क्या करना है ज्ञात करना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, एन बटा दो दो ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। अब तो जब भी आपसे पूछे ना एस एन ऐसा कुछ पूछते हैं जैसे यहाँ पर एस एन पूछा है तो एन को नहीं चेंज करना है। अब एन के अलावा बाकी नंबर आने बहुत जरूरी है मतलब एन नहीं है एन को आपको एन ही रखना है हमेशा। अगर एस एन पूछे तो अगर ये ऐसा पूछते हैं कि 7 पदों का योग बताओ 6 पदों का तो आप एन का मान 6 या 6 जो भी होता वो लिखते, लेकिन यहाँ पर एस एन ही का है तो एन का मान एन ही रहेगा। अब केवल हमें ए और डी लाना है। अब ए और डी कहाँ से लाएंगे इससे लेके आएंगे। यहां लिखा हुआ है केवा पद जैसे होता है ना आपके एन वा पद सूत्र क्या होता है आपके एन वा पद का एन वा पद मतलब होता है ए एन ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन कोष्टक डी वाला से फॉर्मूला हम लगाते हैं और ये आपके दे रहा है केवा पद मतलब हो गया आपके ए के और इसका मतलब ये दे रखा आपके यहां पर क्या लिखा हुआ आपके 5k+1। जैसे यहाँ पर एक लिखते थे तो पहला पद ज्ञात होगा दो लिखते तो दूसरा पद ज्ञात तो यहाँ पर जैसे होगा आपके एक लिखेंगे तो पहला पद ज्ञात होगा दो लिखेंगे तो दूसरा पद ज्ञात होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं एक तो यहां पर भी आपको लिखना है एक तो 5 + 5 + 1 कितना हो गया आपके 6। अगर दूसरा पद ज्ञात करना है तो के की जगह आपको क्या लिखना है 2 5 × 10 = 10 कितना हो गया आपके 11। अब आपको ज्ञात करना देखो ए तो आपके पास पहला पद ये रहा बी ज्ञात करना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना आएगा आपके 5 तो पहला पद भी आ गया और सार अंतर भी आ गया यही हमें यहां पर चाहिए। तो बस हमें एन को चेंज नहीं करना है ए और डी को चेंज करना है। तो यहां पर है एस एन एन बटा दो ए का वैल्यू कितना दे रखा आपके 6 दे रखा और यहां पर एन का एन लेने दो और डी का मान दे रखा है 5। एस एन बराबर एन बटा दो ये हो गया 6 × 12। अब यहां पर जोड़ना करेंगे हम 5 × 5 = 5 तो एस एन का एस एन एन बटा दो है ये 5 × 5 ऐसे रहने दो। अब यहां पर 12 में से 5 गए 12 में से 5 घटा दो तो क्या आएगा आपके 7 आएगा ज्यादा कौन सा है प्लस वाला ज्यादा ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल एडी याद करना है और यहां पर आपको रखना है इसका उत्तर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके 8 इसमें ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम्पल दे रखा उस टाइप का ही है आपको एग्जाम्पल देखें ना एग्जाम्पल में 6 या 7 होगा तो उस टाइप का ही क्वेश्चन है ये सेम आपके। यहाँ पर लिखा हुआ है एन पदों का योग मतलब एस एन दे रखा है पी और क्यू अचर है अचर मतलब कॉन्स्टेंट है मतलब यहाँ पर नंबर होगा 4, 5, 7 कुछ ऐसा हो सकता है आपके मतलब ये वाला तो एन ही रहेगा आपके और ये वाला कोई नंबर होंगे आपके अब पता नहीं कितने अचर इन्होंने पी और क्यू लिख दिया तो बताओ कि डी क्या होगा डी का मान बताना है। तो देखो सिंपल है डी का मान अगर ज्ञात करना है तो सूत्र हो जाएगा ए टू माइनस ए वन। अब ये आपका ए टू माइनस ए वन है जबकि यहां पर आपके एस दे रखा है तो इससे हम एस वन एस टू एस थ्री ज्ञात कर सकते हैं ओनली। तो ए एन कैसे ज्ञात करेंगे पहले हम एस एन ज्ञात करना देखो ए अगर आपको ए एन ज्ञात करना है और एस एन दे रखा है सूत्र क्या होता है ज्ञात करने का ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा आपके एस एन माइनस एस एन माइनस वन ये फॉर्मूला है ए एन ज्ञात करने का एस एन से। जैसे देखो ध्यान देना ए वन ही क्या होता है एस वन होता है तो जैसे हम एस वन ज्ञात करेंगे ए वन मिल जाएगा ये वाला लेकिन जैसे हम ए टू ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात होगा देखो ध्यान देना जितना यहां पर है उतना यहां लिखना है यहां पर ए टू है तो यहां पर एस टू लिखो
और यहां पर एक कम लिखना है आपको, यहां पर दो है तो यहां पर एक कम कर दो, और इन दोनों को जैसे हम हल करेंगे तो हमें ए टू बी मिल जाएगा, और दोनों उत्तर हम यहां पर रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा डी। तो सबसे पहले एस वन एस टू ज्ञात करते हैं, यहीं से ज्ञात करते हैं, तो मैं यहां पर एस वन करता हूं पहले, मतलब यहां आएंगे वन तो यहां पर वन लिखो, तो P यहां पर आएगा 1 प्लस क्यू, यहां पर भी आएगा 1 का स्क्वायर, 1 को किससे भी गुणा कर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर सिंपल आएगा P प्लस क्यू, तो ये आ गया अभी आपके P प्लस क्यू, A1 आ चुका है, तो A1 को मैं यहां पर लिख देता हूं P प्लस क्यू, A1 आ चुका है हमारा। अब हम S2 ज्ञात कर लेते हैं, तो यहां पर मैं 2 लिखता हूं, तो यहां पर भी क्या लिखो 2, यहां पर भी क्या लिखो 2, तो क्या होगा सॉल्व करने पर, ये आएगा आपके 2p प्लस 2 दुनी 4 क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब ये वाले की जगह पर क्या है ना, इन दोनों को आपको प्लस माइनस भी करना ही ध्यान रखना, यहां पर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यहां नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4 इसी पर है, इस पर स्क्वायर नहीं, ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या कहते हैं A2 ज्ञात करके, ये वाला ज्ञात करने के बाद हमें यहां पर रखना पड़ेगा, ये कहते हैं ज्ञात होगा S2 माइनस S1, इन दोनों का माइनस कर लो, मतलब ऐसे S2 पहले लिखना है आपको 2p प्लस 4q और p प्लस q क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करोगे क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, तो माइनस करते क्या आएगा, इधर एक पी बचेगा और इधर आपके 4 में से एक गया 3q, माइनस करने पर ये आया है आपके 8, तो यहाँ माइनस करना है, जैसे ये रहा आपके 4 में से एक गया 3, 2 में से एक गया 1, ऐसे हमने माइनस कर दिया। अब आपको ये उत्तर यहाँ लिखना है पी प्लस 3q, हटाओ कोष्टक, यहां माइनस दोनों का साइन चेंज है, माइनस का पी माइनस का क्यू, ये और ये कट गया, ये 3 बार है और वो 1 बार है, 3 में से 1 गया 2 बार क्यू, तो आपका जो सार्व अंतर है वो आ गया है आपके 2q, ये आया है आपके डी का मान। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके एग्जांपल नंबर 6 की तरह है, यहां पर देखो दो अलग अलग समांतर श्रेणी है, दो अलग अलग एपी है, उनके n पदों तक मतलब फिक्स एक पद दे दिया है n, मतलब 10 पद या 15 पद या 5 पदों का जो हमने योग का अनुपात निकाला है, उनका योग निकालना है फिर अनुपात निकालना, तो ये अनुपात बनता है, तो बताओ उनके 18वें पद का अनुपात क्या हो, योग नहीं पूछा है 18वां पद पूछा है, इसका 18 अलग इसका 18 अलग, अब दो अलग अलग श्रेणी है ना, तो एक को हम छोटी एबीसीडी में लेते हैं, एक को हम बड़ी एबीसीडी में लेते हैं, तो देखो यहां पर विचार करते हैं छोटा s बड़ा s लिखा हुआ अलग अलग योग है, इसलिए तो यहां पर देखो Sn का फॉर्मूला क्या है ज्ञात करने का, n बटा 2, तो यह आएगा आपके 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, ये वाला इसका फॉर्मूला, बड़ा ऐसे तो बड़ा वाला लगाना है आपको, यहां n तो सेम है दोनों में क्योंकि n पदों तक लिखा हुआ है दोनों में ही, तो यहां पर आएगा आपके 2a प्लस एन माइनस वन, और जो डी है वो हो गया आपके बड़ा डी, और अनुपात दे रखा है 5n+4 और 9n+6। अब दो कटे तो काट सकते हो, ये वाला आपस में कट रहा है काट दिया, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2a+2a+, यहां पर तो ऐसे ही रहेगा आपके, कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका 2a+n-1 और यहाँ आ जाएगा आपके d, और यहाँ हमें लिखना है 5n+4 और 9n+6। अब हमें इसको और उसको सही मिलाना है, वहां पर आपके 18वां पद का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों श्रेणी का 18 पद लेना है, तो इसको 18 पद अगर लेता हूं तो क्या आता है a+17d और यह आता है आपके बड़ा a प्लस 17d। अब यहां पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, यहां पर आपके सिंगल a है जबकि यहां पर आपके डबल a है,
तो अगर मैं इसको डबल करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं इसको डबल करता हूं, डबल करता हूं तो क्या होगा, ये वाली ये की बात डबल करने के बाद बात तो वही रहेगी आपके 2a+34d, और यहां पर भी रहेगा आपके 2a+34d। अब देखो 2 से 2 तो मैच कर रहा है, अब यहां पर d के पास में क्या लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, जैसे यहां पर है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से 2a से 2 मैच कर रहा है, अब यहां पर n-1 डी लिखा, वहां 34 भी लिखा हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे n-1 डी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 34d लिखा हुआ है। देखो बस यहां पर थोड़ा चेंज है आपके, चाहे नीचे देख लो ऊपर देख लो एक बात है, बड़ा डी है तो बड़ा डी आपको यूज करना है, यहां पर लिख देते हैं बड़ा डी। तो अगर आपने ये लिया तो वो छोटा वाला बड़ा वाला लेना पड़ेगा, ये वाला तो ये लिया तो ये लेना पड़ेगा आपको, तो अब क्या करते हैं डी से डी कैंसिल हो गया, ये को उधर भेज देंगे तो एन का मान हो जाएगा आपके 35, तो जहां जहां एन है वहां क्या रखो आप 35 रखो, तो क्या लिखेंगे हम n=35 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर पुट करना है आपको सिंपल, अगर यहां पर जहां जहां एन है वहां पर आपको 34 ये लिखना है, 35 लिखना है, हम क्या लिखते हैं यहां पर 2a+, जैसे यहां 35 लिखेंगे क्या हो जाएगा, 35 में 1 गया 34d, यहां भी ऐसे हो जाएगा आपके 2a+34d, जैसे हम यहां पर 35 लिखते हैं, तो अब यहां सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या आता है 5 का 5, एन का मान कितना रखना है आपको 35 रखना है, और यहां आ जाएगा 9 × 35+6, अब ये जो है ना ये इसके मतलब है, तो यहां आ जाएगा आपके इसका 18वां पद और इसका भी 18वां पद बराबर, सॉल्व करो इसको, 35 × 5 होते हैं आपके, गुणा करने पाता है 35 और 5 × 15 और 2 × 17+4, यहां पर 9×45 असल का 4 27 और 4 31+6, तो ऊपर आएगा 179 और नीचे आएगा 321, अब कटे तो काट दो, नहीं कटता है तो यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा आपके, पी पदों का योग क्यू पदों के योग के बराबर है, अब एन पदों का योग बोले तो एस एन बोलते हैं, पी पदों का योग बोले तो एस पी, क्यू पदों का योग बोले तो एस पी, जितने पदों का योग बोलते हैं उसको हम एस एन एस पी एस क्यू ऐसा लगाते हैं, तो ये कह रहा है कि पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, तो हम एस पी प्लस क्यू लिख दिए, अब इसका सूत्र क्या है याद करने का, देखो एस एन का फॉर्मूला ये होता है आपके n/2 (2a+n-1)d, अब यहां पर आपके ये सब के लिए लगा रहा हूं फॉर्मूला, क्योंकि जहां जहां s आएगा योग आएगा सम आएगा वहां पर ये लगाना पड़ेगा आपको, तो s का s, n का मतलब हो गया आपके p+q, अब यहां पर a और d तो अभी तक है नहीं हमारे पास, हमारे पास n n जरूर है, और 14 जहां n है वहां p+q लिख सकता हूं, लेकिन a और d गायब है, तो a और d कहां से लेके आएंगे हम, यहां से लेके आए, तो लेके आओ यहां से Sn का फॉर्मूला वो रहा हम वो लगाएंगे, बस p है तो बस वहां पर p लग जाएगा जहां पर n दिया और कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपके p/2 2a+p-1d बराबर, अब बराबर में तो बराबर लिखेंगे दोनों का योग बराबर, इसलिए अब यहां पर s2 का मतलब होता है q/2 और ये हो जाएगा आपके 2a+n-1 और d का ये इसकी जगह आ जाएगा आपके q और यहां पर आ जाएगा आपके d, इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे देखो यहां पर भाग में 2 है,
यहाँ पर भी भाग में क्या है आपके दो है तो दोनों तरफ कट गए। अब ये और ये सेम है लेकिन ये प्लस में है, जब तक जोड़ भाग नहीं तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता भाग गुणा में होता तो काट देते, जैसे यहाँ पर जब भाग गुणा में काट दिया। अब गुणा कर दो क्या होगा आपके दो ए पी गुणा करने पर प्लस, आप चलो ये वाला कोष्टक साथ में बोल सकते हो तो गुणा करके देखो यहाँ पर पी इंटू पी क्या हो जाएगा। देखो इसको 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 तीनों को साथ में गुणा करना, नहीं तो फिर आप एक लाइन और ले सकते हो चाहो तो गुणा कर लो पी डी माइनस बी दोनों भाग गुणा करिए। अब यहां पर करते हैं हम क्यू का क्यू दो ए प्लस गुणा कर लो क्या हो जाएगा आपके क्यू डी माइनस डी। अब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके इसको इससे गुणा कर लो दो ए पी प्लस पी इंटू पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर डी। अब इसको इससे गुणा करो क्या होता है आपके पी डी। यहां पर कैसे करना है आपको तो क्या लिखोगे यहां पर आप दो ए क्यू प्लस गुणा करो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर डी और यहां गुणा करके क्या आएगा आपके क्यू डी। अब इसे थोड़ा ध्यान लगाना है कि इसमें D वाले भी है और A वाले भी है, क्या करेंगे यहाँ पर A A वाले एक तरफ ये रहा A वाला और ये रहा A वाला दोनों एक तरफ ले उधर दो AP और दो AQ दो AQ दो AP इधर आ गए इनको उधर भी ले दो तो ये लिखा हुआ है आपके Q स्क्वायर D माइनस क्यू डी और ये लिखा जाएंगे तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का है तो हो जाएगा आपके प्लस का। इसमें दो ए कॉमन आ रहा है दोनों दो ए है ना, इसमें डी कॉमन आ रहा है इसमें दो ए कॉमन कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहां पर देखो दो ए यहाँ पे डी का वैल्यू आपको लेना है ये ध्यान रखें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दो ए कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पर पी प्लस और ये प्लस का है इधर एक्स में हो गया आपके माइनस में हो गया तो साइन का भी आपको ध्यान रखना है सब मिट्टी को तो यहां आ जाएगा आपके डी यहां आएगा आपके क्यू स्क्वायर यहां आएगा आपके क्यू और यहां पर आएगा आपके पी स्क्वायर प्लस का पी कॉमन ले लिया तो बाकी बचा क्यू स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर पी सब यहां पर आ गया। अब ये आपको केवल जब या तो दो ए लेके आओ या फिर डी लेके आओ दोनों में से कोई एक लेके आना है तो मैं यहां दो ए लेके आ रहा हूं उसको इधर भेज दो बाहर में तो ये हो जाएगा आपके दो ए बराबर डी का डी और ये हो जाएगा आपके क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी बटा क्या आ गया आपके पी माइनस क्यू। अब यहां से काटना है काटने के लिए क्या है जैसा यहां दिखता है वैसे आपको ऊपर लेके आना है थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो यहां पर भी स्क्वायर है यहां पर भी स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको जमाना पड़ेगा तो देखो डी का डी ये आता है माइनस का पी स्क्वायर देखो पी आगे है क्यू पीछे तो मैं लेता हूं माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर फिर आपके ये दोनों लिखे हुए पी आगे क्यू पीछे पी आगे क्यू पीछे ये आ गया आपके p माइनस क्यू। अब थोड़ा और ध्यान देना है कि p प्लस का है q माइनस का है तो साइन क्या करेंगे यहां पर चेंज कर देंगे साइन चेंज करते हैं तो क्या आएंगे यहां पर d का d और यहां पर क्या होगा आपके माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा और पीछे आपके दे रखा है प्लस पी माइनस क्यू बता क्या आएगा आपके पी माइनस क्यू ऐसा आपको इसको लिखना है। फिर आगे करते हैं हम इसको दिख रहा है अब आगे लेते हैं नेक्स्ट क्या जगह है या नहीं इसके हिसाब से हम लिख रहे हैं तो डी का डी अब देखो दोनों पर स्क्वायर बीच में साइन क्या दे रखा है आपके माइनस का तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में
तो ये माइनस, आप चाहो यहाँ पर माइनस वन भी लिख सकते हो ऐसे चाहो तो। अब यहाँ पर क्या है कि आपके दोनों पर स्क्वायर साइन कौन सा लिखे माइनस का है, तो दोनों को लिखेंगे हम एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे हम माइनस में। और ये तो इसको लिखा है हमने प्लस पी माइनस क्यू, प्लस पी माइनस क्यू बटा बटा क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू। अब ये मल्टीप्लाई मानना चाहिए आपके, ऐसे जोड़ वाक्य में वो काम नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर डी का डी, अब देखो पी माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, हम क्या करते हैं पी माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा वो लिखना है आपको, देखो पी माइनस क्यू कट गया तो ये बच गया, अब तो यहाँ गुणा भी कर सकते हो तो गुणा करेंगे, देखो ये तो कट गया ये बचा है तो ये हो जाएगा माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ही पी माइनस का ही क्यू, और फिर आपके इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा बटा पी माइनस क्यू, ये और ये कट गया तो हमारा दो ए का मतलब क्या है, दो ए का मतलब ये हो गया बी माइनस पी माइनस क्यू प्लस का मतलब ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं यहां पर लिख देता हूं दो ए का दो ए ये रहा, और फिर आपको उसको गुणा करना है, देखो क्या हो जाएगा ये गुणा कर लो एक से पहले, पहले प्लस वाले गुणा कर लेते हैं डी हो जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करना है तो माइनस का डी पी, माइनस का गुणा करो क्यू से तो क्या आएगा माइनस का डी क्यू, तो ये आ गया आपके दो ए का वैल्यू। दो ए का वैल्यू आ चुका है, अब वो मैं यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर एन की जगह पी क्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी प्लस क्यू, दो का दो ए का मान, हाँ दो ए का मान, दो ए का मान ये रहा, तो ये लिखते हैं हम, और क्या हो जाएगा आपके डी माइनस डी पी माइनस डी क्यू, ये हो जाएगा, ये दो ए का मतलब हो गया। फिर है आपके प्लस एन का मान, ये रहा एन का मान पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, फिर दे रखा है माइनस वन, फिर दे रखा है आपके डी, डी का तो कोई मान निकालेंगे तो डी का डी ही रहेगा। अब सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बटा दो, इसको ऐसे लिखो डी माइनस डी पी माइनस डी क्यू, अब वहां गुणा करेंगे गुणा कर लो तो प्लस का डी पी प्लस का डी क्यू और माइनस का गुणा करने पर क्या आता है डी। अब सॉल्व करो देखो यहां पर ये प्लस ये सारे कट जाएंगे, क्योंकि देखो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस ये प्लस सब कट गए, क्या है जीरो, जोड़ भाग चल रही है तो जीरो आएगा, तो ये आएगा एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बटा दो इनटू जोड़ बाकी की है ना, तो चार में चार का जीरो ऐसे जीरो आएगा, जीरो को किससे भी गुणा कर लो उत्तर क्या होता है हमेशा जीरो होता है, अगर यह कुछ बच जाता तो हम इसे गुणा करके लेते, कुछ बचा नहीं जीरो, तो जीरो को किससे गुणा करो उत्तर क्या आएगा आपके जीरो। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके दो ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे और दो ए का वैल्यू जो भी आएगा वो वहां पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 आपके, इसमें लिखा हुआ है पी पदों का योग ए है, क्यू पदों का योग बी है और आर पदों का योग सी, ऐसे दे रखा है पी क्यू आर पदों का योग ए बी सी ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो इनसे कुछ पॉइंट लेंगे और फिर बाद में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एस पी एस क्यू एस आर मतलब आर पदों का योग क्यू पदों का योग ऐसे दे रखा है, अगर एन पदों का योग होता तो फॉर्मूला क्या होता है आप कैसे ज्ञात करेगा, एन बटा दो कोष्टक टू ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, ये फॉर्मूला होता। और अब देखो यहां पर आपके एस पी लिखा हुआ तो पी तो बस जहां जहां पी है वहां पर हमें क्या लिखना, जहां जहां एन है वहां हमें पी लिखना है,
तो ये हो जाएगा आपके पी बटा दो दो ए प्लस, हल करते इसको क्या आएगा, पहले लिख तो दो मान, एन का मान क्या देगा आपके पी और डी का बी। सो सॉल्व करने पर इसका उत्तर क्या आएगा आपके ए आएगा, ऐसा लिखा हुआ। अब थोड़ा आप ध्यान लगाओ कि देखो यहां पर लिखा हुआ है ए बटा पी, मतलब ए इधर तो बटा में पी आना चाहिए, हम क्या करते हैं इस पी को इधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा आपके उधर भेज दो तो एस पी कह दो या तो आप एक बटा दो, क्योंकि पी उधर चला गया नीचे, हमें केवल एक पी चाहिए दो नहीं चाहिए, तो केवल हम एक पी लिख रहे हैं और यहाँ हो जाएगा आप कितना दो का दो, अब ए का ए को सॉल्व करो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा पी डी माइनस बी बराबर हो जाएगा ए बटा ये पी है ना वहां नीचे चला गया ऐसे। तो ये हो गया आपके एपी का मतलब, जो आप यहाँ पर आप दिमाग कर उत्तर निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने ए बटा पी का मान निकाला है, वैसे ही बी क्यू का और सी आर का मान भी निकाल लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी प्रकार, सिमिलरली, जिसे हिंदी में कहते हैं इसी प्रकार। तो जब यहाँ पर एस पी है ना, जब यहाँ पर क्या लिखना है आपको एस क्यू लिखना है, सेम एक बटा दो दो ए प्लस, जब यहाँ पर पी था तो पी आ रहा था, यहाँ पर क्यू है तो क्या आएगा क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पर देखो ए था तो ए बटा पी, यहाँ पर बी क्यू है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बी बटा क्यू। अब सेम आपको वापस से सिमिलरली इसी प्रकार एस आर का मान भी निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपके एक बटा दो दो ए प्लस आर डी माइनस डी। जैसे आया था ए पी ए बटा पी बी बटा क्यू, क्या क्या आएगा आपके सी बटा आर। ये है समीकरण नंबर एक, ये है समीकरण नंबर दो, ये है समीकरण नंबर तीन। अब आप क्या करना है, ये समीकरण नंबर एक दो तीन के मान यहां रखने हैं, तो अब यहां रखेंगे समीकरण नंबर एक दो व तीन का जो मान है वो हमें रखना है लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहां पर वैल्यू पुट करना। तो सिंपल है बिल्कुल, आपको ए बटा पी की जगह आपको ये लिखना है, क्योंकि ए बटा पी का मतलब ये होता है। तो हम यहां लिखते हैं एक बटा दो दो ए प्लस पी डी माइनस डी, ये है ए बटा पी का मतलब। इसका मतलब पीछे क्या लिखा हुआ आपके क्यू माइनस आर, फिर बीच में दे रखा है प्लस, मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, इसको पूरा हल करेंगे फिर तो जीरो आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ा सही करना है आपको, ये ध्यान रखना है। और ये पूरा एक हो गया आपको, ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर प्लस है तो मैंने प्लस ले लिया। अब आपको लिखना है बी बाई क्यू, तो बी बाई क्यू का मतलब ये होता है, तो हम यहां लिखेंगे एक बटा दो दो ए प्लस, यहां पर लिखा हुआ आपके क्यू डी माइनस डी, और फिर आपके ये इसका मतलब हो गया, ये लिखा हुआ है आर माइनस पी, अब आपके लाख में सी बटा आर वाला दे रखा था, हम क्या लिखते हैं यहां पर प्लस सी बटा आर का मतलब होता है ये लिखा हुआ इधर वाला एक बटा दो, और ये लिखेंगे हम दो ए प्लस आर डी माइनस डी, पीछे लिखा हुआ है आपके पी माइनस क्यू। इसको पूरा हल करना है, जैसे आप इसे कंप्लीटली हल करते हो तो उत्तर क्या आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक जीरो आ जाना चाहिए। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, सबके अंदर एक बटा दो सब में क्या दे रखा आपके कॉमन ले रखा, एक बटा दो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो क्या लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन सब में। अब इनको गुणा करेंगे आपस में और ऑटोमेटिक सब कर जाएंगे जीरो हो जाएगा, कैसे देखो ध्यान रखना सिंपल है, क्यू को गुणा करना है पहले इन चारों से तीनों से, क्यू इन टू दो करेंगे क्या आएगा दो ए क्यू प्लस, क्यू गुणा करेंगे यहां पर तो क्या आएगा आपके पी क्यू डी माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा आपके क्यू डी,
थोड़ा सा ध्यान रखना है नंबरों का सही लिखने से। अब आर गुणा करना है, वो भी माइनस का आर है, गुणा करके आएगा माइनस का दो ए आर, गुणा करो यहां पर तो क्या आएगा माइनस का पी आर डी, फिर है माइनस माइनस प्लस और ये आएगा आपके आर डी। मैंने पहली लाइन को गुणा कर दिया, आगे प्लस है तो प्लस लिखो, साथ में लिखो सब, गुणा कर लो आर गुणा करने क्या आएगा आपके प्लस दो ए आर प्लस क्यू आर डी, फिर गुणा करेंगे यहां पर तो क्या आएगा माइनस आर डी, फिर यहां माइनस है तो हम क्या करेंगे यहां पर गुणा करेंगे माइनस पी से, तो क्या आएगा माइनस दो ए पी, फिर ये गुणा करेंगे आपको यहां पर तो क्या आएगा माइनस पी क्यू डी, देखो सब प्लस माइनस में आ रहा है और सब कर जाएंगे ऐसे आप, तो इसको इससे गुणा करो तो प्लस हो जाएगा आपके पीडी। अब ये गुणा करना है प्लस पी को गुणा करेंगे दो ए से, ये बार दो कॉमन आ गया तो उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको यहां गुणा करना है देखो दो ए पी प्लस आर पी आर डी, तो गुणा करेंगे इससे तो क्या आएगा माइनस का पी डी, अब यहां गुणा कर क्यू से क्या आएगा माइनस का दो ए क्यू, गुणा करो यहां पर क्या आएगा माइनस क्यू आर डी, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपके क्यू डी। सब हमने गुणा कर लिया कंप्लीट, अब तो बस सॉल्व करते हैं, तो कट सब कटते हैं वैसे, ये प्लस का टू ए क्यू और टू ए क्यू और कहां पर है आपके ये रहा माइनस का, ये प्लस का पी क्यू डी, ये माइनस का क्यू डी माइनस क्यू डी प्लस टू ए आर माइनस और टू ए आर प्लस पी आर डी माइनस और पी आर डी प्लस पी डी माइनस और पी डी कहां पर है आपके ये रहा माइनस प्लस कट गए, फिर प्लस का आर डी माइनस का आर डी क्यू आर डी प्लस का और क्यू आर डी माइनस का टू ए पी माइनस का टू ए पी प्लस का सब कट गए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक बटा दो इंटू जीरो, उत्तर क्या आएगा आपके जीरो, तो मिल रहा है सिंपल है, पहले आपसे लिखना है फिर वैल्यू पुट करना, सही तरीके से आपको गुणा भाग करना है तो आपके इजीली उत्तर जीरो आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12 आपके, एम पदों का योग, सम ऑफ एम टर्म और सम ऑफ एन टर्म, एम पदों का योग और एन पदों का योग का जो अनुपात है दे रखा है, तो बताना है कि एम पद और एन पद ए एन और ए एम का जो रेशो है ये होगा, ये हमें प्रूव करना है कि इसका रेशो निकालोगे तो ये आएगा, तो पहले हमारे पास जो दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटा दो कोष्टक दो ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, ये फॉर्मूला होता है एस एन ज्ञात करने, एस एन ज्ञात करना ये है तो एम ज्ञात करना क्या हो जाएगा आपके एम बटा दो कोष्टक दो ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी, एम है तो एम लिखना है, एन है तो एन लिखना है, यहां पर भी हम लिख देते हैं एम बराबर दे रखा है एम स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, कट जो काट दो जैसे ये भाग में दो है ये भाग में दो कट गया, इधर एक एम है इधर दो एम है एक एम कट गया, इधर भी एक एन है इधर भी एक एन ज्यादा है तो काट दिया, तो सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा दो ए गुणा कर लो क्या आएगा आपके एम डी माइनस डी, फिर हम यहां पर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है आपके दो ए प्लस गुणा करके क्या आएगा एन डी माइनस डी बराबर हो जाएगा आपके एम बटा एन। अब हम करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे तो कर लो क्रॉस गुणा तो क्या हो जाएगा आपके दो एम गुणा करके क्या आएगा एम एन डी और गुणा करोगे क्या आएगा आपके एम डी, अब इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके
दो ए एन, तो यहां गुणा करेंगे क्या आएगा आपके एम एन डी, और यहां गुणा करेंगे क्या आएगा आपके एन डी। तो एम एन डी से एम एन डी हो गया कैंसिल। अब ए एक तरफ और डी एक तरफ, तो यहां पर हम लाते हैं दो ए एम इधर ले माइनस में हो जाएगा, और इसमें आपके इधर उधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, आपके प्लस में हो जाएगा। इन दोनों में दो ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहां पर दो ए कॉमन ले लिया, इसमें बच गया एम माइनस, इसमें बच गया आपके एन। यहां पर आपके दोनों में डी कॉमन आ गया, तो यहां पर एम बच गया माइनस और इधर एन बच गया, ये और ये कट गया। इसका मतलब है दो ए बराबर होगा बी, दो ए बराबर डी बच गया। अब ये कहाँ काम आएगा, यहां पर काम आएगा, इसको सॉल्व करो ये आएगा आपके। तो देखो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए एम बटा ए एन, ए का फॉर्मूला सबको पता ही है, ए का फॉर्मूला क्या होता है आपके ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक बी। तो यहां पर एन था, यहाँ एन लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ था एम लिख देंगे, ए प्लस एम माइनस वन कोष्टक डी। अब थोड़ा ध्यान लगाना है, यहां पर देखो डी का मान दे रखा है दो ए, तो हम भी यहां पर लिखेंगे डी का वैल्यू क्या करना है आपको, दो ए लिखना है जो हमने यहां पर ज्ञात किया था, तो लिख दो ए प्लस, गुणा भी कर लेना आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, बाद में कर लो, पहले तो पहले डी का मान क्या हो गया दो ए। यहां पर कैसे करना है आपको, ये हो जाएगा आपके एन माइनस वन और यह आएगा आपके दो ए, दो ए को गुणा करो, तो ए का ए। अब यहां गुणा करना है आप दो ए इंटू एम, तो क्या आ जाएगा दो ए एम, गुणा करो यहां पर क्या आएगा माइनस का दो ए, यहां पर दो ए गुणा करके आएगा ए का ए, पहले ये तो सेम ही है, गुणा केवल यहां पर ही करना है, प्लस का दो ए एन माइनस गुणा करके आएगा आपके दो ए। सॉल्व करो, देखो ध्यान लगाना, दो ए एम का दो ए एम, अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, देख ये भी ए है ये भी ए है, ये दो बार है ये एक बार है, तो दो में से एक बार गया, एक बार गया, कौन सा बच गया आपके माइनस का ए बच गया। इन दोनों में जब कल ये लिख लो, यहां पर दो ए यहां पर भी ए, तो दो में से एक ए गया तो एक ए बच गया। इन दोनों में ए कॉमन आ रहा, यहां भी ए कॉमन, तो ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन आ गया, इधर दो एम बचा उधर भाग एक बार जाएगा, माइनस माइनस ए का भाग ए में गया एक बार, सेम यहां पर भी ऐसा ही है, ए कॉमन ले लेंगे दो एम का दो एम, ए कट गया यहां से भी ए कट जाएगा, ये और ये कट गया, और ये हमारा उत्तर आ गया दो एम माइनस वन और दो एम माइनस वन, कितनी सिद्धम। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।